हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द सन क्रिप्टो टीम, जहां पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं। एंड आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो एक बिगिनर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सही शुरुआत बहुत ज़रूरी होती है। आज का जो टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये वर्ड काफ़ी बार सुनने को मिलता है, जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो ऑल ग्रीन है या फिर मेरा पोर्टफोलियो ऑल रेड है। तो वो सब समझने के लिए हमें समझना होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ऐसे समझिए कि एक फ्रूट बास्केट है जिसमें अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स रखे हुए हैं, लाइक मैंगोज, बनाना, ग्रेप्स एट्सेट्रा। वो आपका पोर्टफोलियो है। नहीं, फ्रूट्स नहीं, क्रिप्टोज का। तो मतलब हुआ कि आपके पास कुछ डिफरेंट क्रिप्टोज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हो एक ही साथ। इससे होगा ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइडेड है अलग अलग क्रिप्टोज में। अब बात है कि इसका फ़ायदा क्या है। सबसे हाईएस्ट प्राइस तो बिटकॉइन का ही है, तो सारे पैसे भी उन्हीं में इन्वेस्ट करने चाहिए ना। बात तो सही है, बट पूरे तरीके से नहीं। ये जो डिसीजन होगा वो लो रिस्क लो बेनिफिट का है, क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हैं एंड सेफ खेल रहे हैं एक ऐसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की जिसकी प्राइस ऑल टाइम हाई है। बट जैसे कि अभी का रिसेंट मार्केट क्रैश हुआ है जिसमें बिटकॉइन की प्राइसेस $20,000 पे पहुंच गई थी, तो सारा लॉस भी एक साथ हो गया ना। दैट्स व्हाई वी नीड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर पोर्टफोलियो एसेट मैनेजमेंट? ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे दो फायदे हों, एक रिस्क कम हो जाए एंड द सेकेंड है कि जो गेन्स हैं वो इंक्रीज हो जाए। यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से करना कि आपका जो फंड है वो मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस पे रहे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपके जो फंड्स होते हैं उन्हें आप एक स्ट्रेटजी से यूज़ करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आपका जो लॉस रेशियो है वो प्रॉफिट रेशियो से कम होता है एंड आपके ट्रेड पर मिनिमम लॉसेस या फिर नो लॉसेस के चांसेस बनता है, जिससे आपका फंड काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है रिस्क से एंड आप एक सेफ प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सिक्योर ट्रेडिंग कर पाते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत सारे लोग करते हैं। अलग अलग ट्रेडर्स का पोर्टफोलियो मैनेज करने का तरीका भी अलग होता है। अब उसमें से ये डिसाइड करना कि कौन सा तरीका बेस्ट है आपके लिए, ये बहुत टफ बन जाता है। दैट्स वाई इस वीडियो में हम उस स्ट्रेटजी को मैंशन करेंगे जो मैक्सिमम ट्रेडर्स फॉलो करते हैं एंड लॉसेज के चांसेस को मिनिमम रखते हैं। तो वेट किस बात का है, चलो समझते हैं कैसे करें पोर्टफोलियो मैनेज। फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड जिस भी क्रिप्टो करेंसी में करना चाहते हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले रिसर्च करनी होगी। ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी बेस्ट है एंड उसका यूज़ केस क्या है। लॉन्ग टर्म बेसिस पर सॉलिड कॉइन है भी या नहीं, एंड जो आपकी क्रिप्टो करेंसी के जो टॉप कॉइन्स हैं उनके बारे में भी आपको जानना होगा। देन कब कब इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से, आपको ये आपको आगे पता चलेगा। अब यूज़ केस तो आप उसके वाइट पेपर से स्टडी कर ही लोगे, है ना। नेक्स्ट इसमें आता है सेंटिमेंटल एनालिसिस करना, जिसमें आप ये देखते हो कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, जैसे कि रिसेंट न्यूज़ क्या है एट्सेट्रा। फंडामेंटल एनालिसिस को और बेटर एंड डिटेल में समझने के लिए आप हमारा YouTube वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा। फंड डाइवर्जन। सो सबसे पहले एक अमाउंट को सेट करते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। एंड वो अमाउंट कैसे डिसाइड करना है वो भी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप सारे सेविंग सिर्फ एक बार में इन्वेस्ट कर दें। आपकी जो भी टोटल इनकम है उसका कुछ 5-10% मनी इन्वेस्ट करने की ही एडवाइस आपको लोग देंगे, क्योंकि मार्केट भी वॉलेटाइल है एंड हमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना होता है। फंड डाइवर्जन में आप अपने फंड्स को डाइवर्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसे करनी होगी कि आप जो है अलग अलग मार्केट पे अलग ट्रेंड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें, जिससे जो आपका एवरेज बाइंग है वो मेंटेन रहेगा एंड इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो सॉलिड होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट के भी चांसेस बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दी टेक्निक्स। फर्स्ट है, आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लें कुछ 5-10 पार्ट्स के अंदर। उसमें आपका जो फंड होगा अगर ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं एंड हर एक पार्ट को बार बार जब डिप आती है उन पर सेलेक्टेड कॉइन्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि डिप पे ऑब्वियसली आपको प्राइसेस काफ़ी कम मिल पड़ेंगी, तो दैट्स वाई आप एक साथ ज़्यादा खरीद सकते हो। डिप स्केरी तो है बट एक अपॉर्चुनिटी भी है अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए।
इसमें सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा कि 50-25 and 25 की स्ट्रेटजी मेंटेन करना, यानी 50%, 25% and 25%। आपका जो 50% पॉइंट होगा वो टॉप पॉइंट्स में इन्वेस्ट करना, जैसे कि बिटकॉइन एंड इथेरियम में। नेक्स्ट जो 25 होगा वो अल्ट कॉइंस के अंदर, एंड द लास्ट 25% में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है उसमें आप 25 के 4 पार्ट्स लेंगे, यानी 100 को 25 में डिवाइड करके 4 इक्वल पार्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को करना। डिवाइड करने के बाद आप उसको अलग अलग मार्केट ट्रेंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको हम फंड्स डाइवर्जन बोलते हैं। आप मेन टेक्निक्स तो हो गई, बट ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, चूज अ प्लेटफॉर्म एंड द क्रिप्टोस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम श्योर सन क्रिप्टो तो आपकी चॉइस है ही, तो आपको अब प्रॉपर तरीके से क्रिप्टोज को भी चूज़ करना है प्रॉपर मार्केट रिसर्च करके। स्पेशली आपको ऐसी क्रिप्टोज चूज़ करनी है जो किसी और क्रिप्टो पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब कि आपकी क्रिप्टो की प्राइस किसी और की क्रिप्टो की प्राइस से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ऐसी क्रिप्टो चूज़ करना जिसका लो कोरिलेशन हो किसी दूसरी क्रिप्टो से, वरना तो पता चला दूसरी क्रिप्टो में यू नो डिप आई एंड आपके प्राइस भी गिर गया। इसका जो ऑपोजिट भी हो सकता है, बट वो एक काफ़ी चांस इवेंट होता है एंड आपका रिस्की गेम बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा उन बातों का। एक एक्स्ट्रा टिप, एक्सेल यूज़ करते हैं आप? नहीं तो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है आपकी क्रिप्टो में एनालिसिस करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऊपर जो कोरिलेशन वाला टर्म हमने समझा था उसको आप रिलेशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के थ्रू एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिप्टो किस पे कैसे डिपेंडेंट है। तो आपका सारा क्रिप्टो डाटा एक्सेल में अपडेट कर लेना एंड एक्सेल टेक्निक्स को यूज़ करके बेटर एनालिसिस कर लेना। सेकेंड आता है रुपी कोस्ट ओवरलैपिंग, ये ऊपर वाला पॉइंट है जहां आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है, इससे आपके जो लॉस है वो डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की है कुछ 20 क्रिप्टोज के अंदर, हर क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट है 5,000। सो मान लो उनमें से एक पर्टिकुलर क्रिप्टो है वो कंप्लीट लॉस में है, तो आपका जो पर्टिकुलर लॉस होगा वो सिर्फ 5,000 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं, एंड आपके पास बैकअप के लिए बाकी क्रिप्टोज तो हैं ही। यहाँ पे आपको डेली या मे बी मंथली का जो रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस है वो करना होगा बेटर समझने के लिए। ये भी आप एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व निकाल सकते हैं या फिर एवरेज रिटर्न चेक कर लो। अब इससे आपको क्या समझ में आएगा, तीन बातें। फर्स्ट जो है कि रिस्क पर रिटर्न कितना है, सेकेंड किस क्रिप्टो की प्राइस कितनी वॉलेटिलिटी पे है, एंड थर्ड एवरेज रिटर्न कितना है। इस एनालिसिस से आप अपने इन्वेस्टमेंट में मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो समझ सकते हैं। अगर किसी का एवरेज कुछ ज़्यादा ही लॉस में है तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं एंड बाकी जो क्रिप्टोज हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा लो एंड बैलेंस बना रहेगा इन्वेस्टमेंट का। फोर्थ इज़ नो द एग्जिट, ये है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्विट करना है इन्वेस्टमेंट से। मंथ का या डेली का एक गोल सेट कर लेना है आपको, एंड जैसे ही आपका एक टारगेट प्रॉफिट बन जाए आपको वहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने लॉस में जाने से बच जाएंगे, जो कि एक चांस होगा। सो आई होप गाइस आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो मेरे को यहाँ मेंशन करनी है कि सन क्रिप्टो टीम आपके क्रिप्टो रिलेटेड क्वेश्चंस का एक एफएक्यू वीडियो बनाएगी हर संडे को। सो मेक श्योर आप सैटरडे तक अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, सो दैट हम उनको यूज़ कर सकें। एंड हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे ना हमें भी मोटिवेशन मिलती है एंड इनकरेजमेंट मिलता है और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो दिस इज़ पूजा खरड़िया साइनिंग ऑफ, थैंक यू।